गेमर्स, स्ट्रीमर्स या और जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, वो यूट्यूब के अलावा जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं अपने फॉलोअर्स से, अपने ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए, उनमें एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक नॉर्मल पीसी से, अगर आपके पास स्ट्रीमिंग पीसी है तो स्ट्रीमिंग पीसी से, हम लोग OBS का इस्तेमाल करके कैसे एक परफेक्ट 1080p 60fps स्ट्रीम कर सकते हैं, और ये एक्सपीरियंस आपके लिए और आपके फॉलोअर्स के लिए दोनों के लिए बहुत ही कमाल का, बहुत ही मज़ेदार साबित होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ज़बरदस्त, जिंदाबाद, हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हेल गेमिंग। और अगर OBS का इस्तेमाल करके हम लोगों को इंस्टाग्राम पे लाइव करना है तो उसके लिए हम लोगों को एक छोटे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है येलो डक। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे एक वेबसाइट पे जिसका नाम है yellowduck.tv। आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा एक बार कि सही URL क्या है, वैसे मैंने आपको बता दिया। चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे, और मैंने यहाँ पे टैब बनाया हुआ है yellowduck.tv का। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ देखिए दो तरह के डाउनलोड्स हैं। आप लोगों को डाउनलोड करना है विंडोज़ पे, आप चाहें तो मैक के लिए कर सकते हैं। और ये छोटा सॉफ्टवेयर है, करीब 80 MB के आसपास, जल्दी से डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसीजर क्या है। तो भाई लोग, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड होने के बाद हम लोग इसे इंस्टॉल करते हैं जल्दी से। वही नॉर्मल जैसे कोई भी एक टिपिकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होती है विंडोज़ पे, एक्सट्रैक्ट होगा, जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो भाई लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अभी हम लोग करते हैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक। तो इस पेज पे हम लोग डालेंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के क्रेडेंशियल्स, अपना यूजर नेम और पासवर्ड। तो क्रेडेंशियल्स डालने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे लॉग इन एंड स्टार्ट पे, क्लिक करते हैं। और अभी हम लोगों को येलो डक जो है एक सर्वर URL और एक स्ट्रीम की देगा जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे OBS में। तो ये लोडअप हो रहा है जल्दी से। इट विल टेक सम टाइम शुरुआत में, मतलब जब पहली बार आप ये क्रेडेंशियल्स अपने डालेंगे तो लॉगिन स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लाइक 30 सेकंड्स और 20 सेकंड्स, लाइक दैट। तो अभी आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे RTMP URL है एक, इसको आपको कॉपी करना है, और नीचे स्ट्रीम की है ये आपको कॉपी करना है। यहाँ पर मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूँ जो हम लोगों ने आपसे बात की थी OBS का ट्यूटोरियल में, कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म की स्ट्रीम की जो है उसको कभी भी पब्लिक ना करें, उसको कभी भी पब्लिक डोमेन में ना लाएं, किसी के साथ एक्सपोज ना करें, किसी के साथ शेयर ना करें। क्योंकि अगर ये स्ट्रीम की उसके पास है तो वो आपके इंस्टा अकाउंट पे, आपके यूट्यूब चैनल पे, या कहीं भी जहाँ की भी वो स्ट्रीम की है वहाँ पर आपके अकाउंट से स्ट्रीम कर सकता है। तो यहाँ का काम अभी येलो डक का फिलहाल काम खत्म हो गया। हम लोग अब चलते हैं OBS पे और वहाँ के सेटिंग्स देखते हैं। तो भाई लोग, अब चलते हैं हम लोग अपने OBS में, और OBS में हम लोग एक नया प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, जस्ट बिकॉज कि इंस्टाग्राम की लाइव स्ट्रीम से हम लोग अपनी नॉर्मल लाइव स्ट्रीम्स को जो है इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। तो ओपन करते हैं OBS, और OBS में हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक नया प्रोफाइल क्रिएट करेंगे पहले। ओके, सो हम लोग जाएंगे प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में जाके न्यू, और न्यू यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे इसको इंस्टाग्राम जल्दी से, और ओके कर देंगे। इतना करने के बाद हम लोग जाएंगे दोबारा नया सीन सिलेक्शन चुनेंगे यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे भी हम लोग इसको नाम देंगे इंस्टाग्राम 2 एंड डन। तो इतना होने के बाद हम लोगों को क्या करना है कि हमारे पास एक नया सीन आ गया है, और इसमें हम लोगों को इंस्टाग्राम की जो जितनी भी सेटिंग्स हैं उनको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि फिलहाल जो स्क्रीन हमारे पास अवेलेबल है वो हॉरिजॉन्टल है, और नॉर्मली जो हम लोग इंस्टा पे जब भी हम लोग लाइव करते हैं तो वो वर्टिकल होता है। तो हम लोग इसको चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए हम लोग जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आउटपुट, और यहाँ पे सॉरी आउटपुट नहीं, वीडियो, और वीडियो में आके यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करेंगे। ये होगा 1080x1920, और आउटपुट स्केल भी हम लोग यही रखने वाले हैं, बिल्कुल डन। ओके, तो इस तरीके से वर्टिकल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे, जो सीन है नॉर्मली जैसे हम लोग सोर्स ऐड करते हैं OBS पे, वैसे ही इसको ऐड करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, वो भाई लोग हमारे जो कि नहीं जानते हैं OBS के बारे में, उसके लिए लिंक जो है मैं ऊपर आपको आई कार्ड पर दे रहा हूँ, चेकआउट करिए, कम्प्लीट ट्यूटोरियल है OBS का, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे हो रहा है, और बहुत हेल्पफुल होगा आपकी स्ट्रीमिंग में भी। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग इस सीन में सोर्स सेलेक्ट करेंगे, सोर्स ऐड करेंगे अपने, और इनमें पहला सोर्स मैं ऐड करने वाला हूँ जो फेस कैम है वो। तो भाई लोग फेस कैम ऐड करते हैं जल्दी से। मैं जाता हूँ सोर्सेज में, वीडियो कैप्चर डिवाइस, और यहाँ पे हम लोग इसका नाम रख देंगे फेस कैम। और फिलहाल एक ही वीडियो कैप्चर डिवाइस अवेलेबल है OBS में, वो है हमारा वेब कैम। मैं थोड़ा सा इसको क्रॉप कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से, आप चाहें तो अपने हिसाब से कैप्चर डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस विंडो को, और अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारी लाइव स्ट्रीम की जो स्क्रीन है इंस्टा लाइव की, उसमें ऊपर वाला जो अपर हाफ जो हिस्सा है वो हम लोगों ने डेडिकेट कर दिया है अपने वेब कैम को। वैसे वो भाई लोग जो नहीं जानते हैं कि पीछे वाला ये जो ग्रीन कलर है कैसे हटेगा, कोई भी फेवरेबल अगर आपको यहाँ पे वॉलपेपर चाहिए या
वीडियोस वगैरह यहाँ पे डालनी है बैकग्राउंड में, तो उसके लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल है, चेकआउट करिए, आई कार्ड पर लिंक है वीडियो का, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इस विंडो के नीचे वाला जो स्क्रीन का नीचे वाला जो लोअर हाफ है, जो आपको व्हाइट कलर में, सॉरी जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आप अपने इंस्टा लाइव की जो थीम है, जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड वीडियोज़ या कोई इमेज या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। डेमो स्ट्रीम से पहले हम लोग एक चीज़ और करते हैं कि हमारी ऑडियंस जो है, हमारे फैंस जो हैं या फॉलोअर्स जो हैं, हम लोगों को सुनेंगे कैसे। तो उसके लिए हम लोग एक ऑडियो इनपुट डिवाइस और यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, ऑडियो इनपुट कैप्चर, और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ माइक। ओके, तो माइक, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा जो मेरा माइक है उसको। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इनपुट आ रहा है, इसको थोड़ा सा लोअर कर देते हैं नीचे, एंड इट इज़ फाइन। तो ये हो गया ऑडियो इनपुट, जिससे कि आप जो माइक इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ऑडियो जो है आपकी स्ट्रीम पे जाएगा। तो फाइनली हम लोग उठाते हैं सर्वर यूआरएल और स्ट्रीम की येलो डक से, और उसको यहाँ पे जल्दी से सेटिंग्स में पेस्ट करते हैं। यहाँ से कॉपी किया मैंने यूआरएल, हम लोग जाएंगे सेटिंग्स में, स्ट्रीम में, और यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे कस्टम, और सर्वर में सर्वर यूआरएल को पेस्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग कॉपी करेंगे स्ट्रीम की, स्ट्रीम की हम लोग कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट, और इन दोनों को अप्लाई करके करेंगे ओके। इतना करने के बाद हम लोग हिट करते हैं स्टार्ट स्ट्रीमिंग, और आई थिंक कि स्ट्रीम ऑन हो जानी चाहिए अभी। एंड जैसा कि इंडिकेशन आपको दिखाई दे रहा है कि जो ग्रीन कलर का जो एक इंडिकेशन है वो आ गया है कि हम लोग लाइव हैं। अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि सही में हम लोग इंस्टा पे लाइव हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो फ़ोन पे चेक करते हैं इसको अपने। और अभी आप देख पा रहे हैं कि हम लोग इंस्टा पे लाइव हो गए हैं। सो इट इज़, मैं एक बार थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा कि आपको सही में पता लग जाए कि ये लाइव हो रहा है। तो इतना ईजी है, इतना आसान है अपने डेस्कटॉप पीसी को अपने OBS के थ्रू लाइव ले जाना इंस्टा पे। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको बता दूँ कि वो ये है कि हम लोगों को यहाँ पे स्टॉप स्ट्रीमिंग क्लिक करने के बाद येलो डक पे जाना है, और येलो डक पे जाने के बाद आप देखेंगे कि एक बटन है सेव एंड फिनिश, इसको क्लिक ज़रूर करना है। इसको क्लिक करने पे हमारी जो लाइव स्ट्रीम है वो हमारे इंस्टा पे सेव हो जाएगी, हमारी स्टोरी में भी ऐड हो जाएगी। तो इसे क्लिक करेंगे सेव एंड फिनिश, और ये करना बेहद ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पे हम लोग फिनिश कर रहे हैं अपनी स्ट्रीम, एंड दैट्स इट। तो भाई लोग, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और वो घंटे वाला बटन आपको ज़रूर दबाना है, क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उसी से होता है। जब भी एक नई वीडियो आती है वो घंटा बजता है और आप लोगों को पता लग जाता है कि वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।